الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون بسم الله الرحمن الرحيم وقوموا لله قانتين بسم الله الرحمن الرحيم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال بزرگان محترم ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے, یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عالم رنگ و بو میں تشریف آوری ہوئی ہے۔ دل تو یہ چاہتا تھا کہ اسی تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جائے, مگر گزشتہ جو جمعہ کی مجلس تھی اس میں جس موضوع پہ بات ہو رہی تھی وہ تشنا نامکمل اور ادھورا تھا, لہذا آج کی مجلس میں انشاءاللہ العزیز اس کی تکمیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے نعتیہ کلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو لکھا گیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہم آقا کے امتی کہلاتے ہیں, وہ ہمارے نبی ہے اور ہم ان کے امتی ہے, تو نظم اور نعت کا عنوان ہے کہ میں رحمت عالم کا امتی ہوں۔ نہیں ہوں زور آور کم ہمتی ہوں, نہیں ہوں زور آور کم ہمتی ہوں, مگر قسمت تو دیکھیے کہ میں ان کا امتی ہوں, مگر قسمت تو دیکھیے کہ میں ان کا امتی ہوں۔ ہوں گرچہ سیاہ و بدکار, ہوں گرچہ سیاہ و بدکار جیسا بھی ہوں, پر ان کا امتی ہوں۔ دنیا کرتی ہے تنگ مجھے صرف اس بنا پر, ہم سب کو دنیا کرتی ہے تنگ مجھے صرف اس بنا پر کہ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ہاں میں ان کا امتی ہوں, کہ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ہاں میں ان کا امتی ہوں۔ کوئی چاہے دیکھے مجھے جس نظر سے, کوئی چاہے دیکھے مجھے جس نظر سے, ہے مجھے یہ فخر کہ میں ان کا امتی ہوں, ہے مجھے یہ فخر کہ میں ان کا امتی ہوں۔ بھیجتا ہوں میں ان پہ صدا درود و سلام,
भेजता हूँ मैं उन पे सदा दुरूद ओ सलाम, है वो मेरे आका और मैं। अरे कुछ तो बोलो अल्लाह के बंदो, कुछ लुत्फ आना चाहिए हुजूर के जिक्र में है। बिल्कुल बुझे अखफश और यूं लगता है कि एक हफ्ते से भूखे प्यासे बैठे हुए हो। भेजता हूँ मैं उन पे सदा दुरूद ओ सलाम, है वो मेरे आका और मैं उनका उम्मती हूँ। करूँ जितना भी शुक्रे खुदा ये कम है, करूँ जितना भी शुक्रे खुदा ये कम है, खुदा का ये करम है कि मैं उनका उम्मती हूँ। और अखीरी मिसरा है, जरा गौर कीजिए। हाँ, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा है ना, हाँ वैसी बात होनी चाहिए। अल्लाह मेरे और आपके लिए भी मुकद्दर करे कि हमारा मामला भी ऐसा हो। जो आखिरी मिसरा है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में ये कह दे, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में ये कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए। तो सुनिए, पूछेंगे मलाइक कब्र में जब मुझे सवाल, पूछेंगे मलाइक कब्र में जब मुझे सवाल, सलाम तू ये कह देना कि मैं उनका उम्मती हूँ। सलाम तू ये कह देना कि मैं उनका उम्मती हूँ। दुनिया करती है तंग मुझे सिर्फ इस बिना पर कि मैं ये कहता हूँ कि हाँ मैं उनका उम्मती हूँ। बहरहाल गुफ्तगू ये चल रही थी कि मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ में रिवायत है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा जुइरल इमाम लियुतम बिही। मफहूम यह है कि नमाज बा जमात में इमाम होता ही इसलिए हैं कि हम इमाम की क्या करें, पैरवी करें। कैसे पैरवी करनी है, आगे फरमाया हुजूर ने, फैदा रका फरकाऊ, जब इमाम रुकू में जाए फिर तुम रुकू में जाओ। वैदा रफा फरफाऊ, जब इमाम रुकू से सर उठाए उसके बाद तुम रुकू से सर उठाओ। वैदा सजदा फसजुदू, जब इमाम सजदे में जाए और बाद में कह लीजिए कि सजदे से सर उठाए, उसके बाद तुम सजदे में जाओ और सजदे से सर उठाओ। इस हदीस पाक की रोशनी में उलमा ने ये लिखा है कि इन्नमा जुइलल इमाम लियुतम बिही, नमाज में चाहे उसका ताल्लुक कौल से हो या फैल से हो, सुनना जरा ध्यान से, नमाज में कोई भी रुक ना हो चाहे उसका ताल्लुक कौल से हो। कौल जानते हो ना, इंग्लिश में भी बोलते हैं कि भाई मैं कौल करा देने थोड़ी बार कुछ है, तो कौल यानी बोलने से। हाँ, तो चाहे उसका ताल्लुक कौल से हो या फैल से हो, के जिस्म उसमें इस्तेमाल होता हो कि हरकत करते हो हम, इमाम की पैरवी करना ये फर्ज है दोनों में।
चाहे उसका ताल्लुक कौल से हो या फैल से हो, इमाम की पैरवी करना ये फर्ज है। अगर किसी ने इमाम से पहले कोई रुकन अदा कर लिया, इमाम के साथ उसकी हिस्सेदारी उस रुकन में नहीं हुई, उसकी नमाज ही नहीं होगी। और एक इम्पोर्टेंट बात ये याद रखना, बाज लोग बहुत जल्दबाज होते हैं और कुछ इमाम मेरी तरह सुस्त होते हैं, हैं तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम, एक तरफ से जल्दबाजी है और दूसरी तरफ से सुस्ती है। नमाज जो शुरू होती है अल्लाहु अकबर हम कहते हैं, ये तकबीर तहरीमा इसे कहते हैं, ये फर्ज है दोनों के लिए, इमाम के लिए भी ये कहना फर्ज है और मुक्तदी के लिए भी ये कहना फर्ज है। याद रखना, जो मुक्तदी ये समझते हैं कि हमारी नमाज तो शुरू से आखिर तक बिल्कुल ऑटोमेटिक है, नहीं, हाँ कुछ हिस्सा ऑटोमेटिक है और कुछ मैन्युअल है, हैं तो बहरहाल दोनों तरह से नमाज को अंजाम देना है। तो बाज लोग इधर देखो क्या करते हैं, इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर तो वो मेरा होठ, आपने मेरे होठ की तरफ देखो, इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, मुक्तदी कहता है, हरकत हुई नहीं हुई? क्यों? बाज लोग ये समझते हैं कि नमाज में हाथ उठाना फर्ज है, हालांकि मसला उल्टा है। अगर किसी ने नमाज में हाथ नहीं उठाया, यूं ही खड़ा रहा पूरी नमाज में, तब भी नमाज हो जाएगी, ठीक है, जो सुन्नत तरीका है उसके मुताबिक उसने नमाज अदा नहीं की, लेकिन नमाज हो जाएगी उसकी, चाहे वो पूरी नमाज यूं ही खड़ा रहा। यूं ही खड़ा रहा का मतलब ये नहीं कि रुकू सज्दा नहीं किया, मतलब ये कि कयाम के अंदर उसने हाथ नहीं उठाया, हाथ नहीं बांधे उसने, बस वैसे ही खड़ा रहा, तब भी उसकी नमाज हो जाएगी, सज्दे सहव की भी जरूरत नहीं होगी। क्यों? नमाज में हाथों का उठाना ये मसनून और सुन्नत है, याद रखना, नमाज में हाथों का उठाना सुन्नत और मसनून है, और अल्लाहु अकबर को जुबान से अदा करना इमाम और मुक्तदी, इमाम तो करेगा चूंकि मुक्तदी है, मुक्तदी को खास ख्याल रखना ये फर्ज है। अगर किसी ने दिल ही दिल में अल्लाहु अकबर कह दिया, तसव्वुर की दुनिया में नमाज में शामिल रहकर भी अल्लाह ताला की फहरिस्त में वो बेनमाजी रहा। याद रखियो, ये जुबान से कहना है सबको, एक तो इस बात का ख्याल रखना है कि ये हमें जुबान से कहना है, दिल से नहीं, और ये नहीं कि कहा ही नहीं बस हाथ उठा दिए। दूसरी बात, इमाम के अल्लाहु अकबर शुरू करने के बाद कहना है या फिर इमाम के अल्लाहु अकबर खत्म करने के बाद कहना है? दो शक्ल होती है ना, मैं आपको समझाता हूं। इमाम ने कहा अल्लाह, इतना बोला इमाम अल्लाहु, तो मुक्तदी ने भी कहा अल्लाहु, तो इमाम की तकबीर तहरीमा खत्म नहीं हुई, लेकिन मुक्तदी ने क्या कर दी, शुरू कर दी, ठीक है। दूसरी सूरत और बेहतर सूरत यह है कि अल्लाहु अकबर इमाम ने पूरा ये जो तलफ्फुज है, ये जुमला है, ये अदा कर दिया, उसके बाद मुक्तदी कहे अल्लाहु अकबर, ये बेहतर शक्ल है। क्यों? दोनों बातें हैं, इमाम से पहले शुरू भी नहीं करना है और इमाम के बाद शुरू किया मगर इमाम से पहले खत्म भी नहीं करना है, या तो इमाम के खत्म के साथ तकबीर तहरीमा खत्म करनी है या इमाम साहिब के खत्म करने के बाद इसको खत्म करनी, साथ साथ या बाद। जो टेक लगा के बैठे हो, उर्दू समझते हो, तो किबले की तरफ पांव होते हैं, पांव समेटो अल्लाह के बंदो, कुरान पढ़ रहे हो क्या कर रहे हो पता नहीं,
लेकिन कुछ अदब बदब कुछ नहीं, कुछ तो लिहाज होना चाहिए। अल्लाह के घर में बैठे हो, कहाँ बैठे हो? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अद्दबनी रब्बी फअहसन तअदीबी औ कमा काल अलैहि सलातु वस्सलाम, कि मेरे रब ने मुझे अदब सिखाया और बेहतरीन अदब सिखाया। बाज़ लोग समझते हैं कि अदब की कोई जरूरत नहीं, तो फिर आका ने क्यों फरमाया? आका फरमाते अद्दबनी रब्बी, मेरे रब ने मुझे अदब सिखाया, फअहसन तअदीबी और बेहतरीन अदब सिखाया। और उलमा लिखते हैं कि अद्दीन कुल्लुहु अदब, दीन पूरा का पूरा क्या है? अदब है। और फारसियान कहते हैं अज खुदा खाहेम तौफीक अदब, अज खुदा खाहेम तौफीक अदब, बे अदब महरूम गश्त अज फजल रब। इसका तर्जमा आसान जुबान में यूं है कि बेअदब बेनसीब, बाअदब बानसीब। अल्लाह के घर का एहतराम, किबले का एहतराम बड़ी बात है। हैं, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं वमन युअज्जिम शाइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक्वल कुलूब। मफहूम यह है कि जो लोग, जो मुसलमान शाइरुल्लाह का एहतराम करते हैं, ये किबला, ये शाइर है, ख़ास निशानी है, किबला, काबा, कुरान शरीफ, नबी, मस्जिद, ये सब शाइरुल्लाह है। फरमाया कि जो मुसलमान इनका अदब करता है, अल्लाह ताला सर्टिफिकेट दे रहे हैं, सनद दे रहे हैं, ये उसके दिल में तक्वे के मौजूद होने की अलामत और निशानी। अब इसका बरक्स भी सोचो, जो लोग शाइरुल्लाह का अदब नहीं करते, मैं अगला जुमला पूरा नहीं करूंगा, अल्लाह करे कि हम में से किसी का हाल ऐसा ना हो, जब भी पढ़ा करो कुरान को अदब के साथ पढ़ा करो। ये अरब बेअदब हुए, हम अजमियों को भी बेअदब बना दिया। हमें अरब की तकलीद नहीं करनी, हमें सईदुल अरब की तकलीद करनी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीद करनी है। आका फरमा रहे अद्दबनी रब्बी फअहसन तअदीबी औ कमा काल अलैहि सलातु वस्सलाम। पाकिस्तान के अंदर एक खास फील्ड से एक आदमी ताल्लुक रखता है, जिसे लोग अच्छा नहीं समझते, इफ्तिखार ठाकर उसका नाम है। तो उनसे मैंने सुना कि मैं जिनके पास मकतब पढ़ता था, तो उस्ताद जी मकतब के साइकिल पर आया करते थे, और मैं भी साइकिल चलाता था, उनको दूर से आता हुआ देखता तो साइकिल से उतर जाता और साइड पे खड़ा रह जाता अदब के मारे। ये अमल कई मर्तबा हुआ। तो एक दिन उस्ताद जी ने मुझे साइकिल रोक कर ये पूछा कि इफ्तिखार अहमद, मैं बारहा देखता हूँ, मैं साइकिल पर आ रहा होता हूँ, तू साइकिल पर होता है, जब भी तू मुझे देखता है साइकिल खड़ी करके बाअदब खड़ा रह जाता है। फरमाया कि ये अदब तूने कहाँ से सीखा? उस्ताद जी पूछ रहे हैं ये अदब तूने कहाँ से सीखा? इफ्तिखार ठाकर कहते हैं मैंने जवाबन अर्ज किया, हजरत एक तो आपसे और दूसरे मेरी माँ से सीखा। एक तो उस्ताद जी आपसे सीखा, दूसरी मेरी वालिदा से सीखा। उस्ताद जी के जुमले को अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया। उस मौके पर उस्ताद जी ने फरमाया अपने शागिर्द से, जा इस अदब की बिना पर दुआ देता हूं जिंदगी में हर फील्ड में तू कामयाब रहेगा, कभी नाकामी का मुंह नहीं देखेगा। अभी उनकी उम्र 63 इयर्स है। वो कहते हैं खुदा की कसम उस दुआ की और अदब की बरकत है, जहां जहां किसी काम के लिए गया, जिस जिस से मिला, हर आदमी मुझसे मोहब्बत से मिला है, हर काम मेरा हो गया है। और एक स्टोरी तो ऐसी बताई, मदीना मुनव्वरा वो जाने वाले थे, टिकट नहीं मिला, फ्लाइट कैंसिल हुआ था, तो अगला जो फ्लाइट था उसमें उन पैसेंजर्स को
रखा गया था, तो जो पायलट पायलट था उसका, उसने ये कहा इफ्तिखार यहाँ नज़र आते हो, कहाँ आका के दरबार में हाजिरी देनी है। तो पूछा कि टिकट और वीज़ा, कहाँ वीज़ा है टिकट नहीं है, कि मना कर रहे हैं ये लोग। तो कहने लगे कि वो दोनों पायलट ने बगैर टिकट के मुझे दरमियान में बिठाया और मदीना मुनव्वरा पहुंचा दिया। वो फरमाते हैं कि ये आका, ये अदब का नतीजा है, और हम लोग भी बेअदब बनते जा रहे हैं। और इसमें बड़ों को ख्याल रखना है, हमारे बड़े भी इन मस्जिद में कुरान पढ़ेंगे पांव लंबे करके, गैरत कैसे कबूल करती है। अदब से सारा मामला शुरू होता है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा ने यह लिखा कि जो अदब को मामूली समझेगा, अदब की अंजाम दही में सुस्ती करेगा, वो सुन्नत में सुस्ती करेगा। जो सुन्नत में सुस्ती करेगा वो वाजिब में सुस्ती करेगा। जो वाजिब में सुस्ती करेगा वो फर्ज में सुस्ती करेगा। जो फर्ज में सुस्ती करेगा वो अल्लाह की जात के अंदर भी सुस्ती करेगा। जो इसमें सुस्ती करेगा वो दायरे ईमान से निकल जाएगा। फरमाया कि ये शुरू होता है अदब से। लेकिन हमारी मस्जिद में भी पता नहीं भाई, चेयर रखी हुई, आपको कुरान शरीफ पढ़ना है, नहीं पढ़ सकते, ऊपर बैठ के जो है पढ़ो। हम खुद बेअदब बने हैं और हमारी आने वाली नस्लों को भी बेअदब बना रहे हैं। खैर बहरहाल, गालिब अपनी तल्ख नवाइयों में कीजिए मुझे माफ, आज मेरे दिल में दर्द कुछ सिवा होता है। तो बहरहाल वैसा मामला था। तो मैं क्या कह रहा था आपको कि इमाम के लिए भी कहा गया, बाज़ इमाम भी इसमें एहतियात नहीं करते। ये जो पहला अल्लाहु अकबर है इसमें मद नहीं है, इसको नहीं खींचना है। बाज़ इमाम साहिब खींचते हैं अल्लाहु अकबर, मुक्तदी की नमाज ख़राब करते हैं। क्यों? बाज़ मुक्तदी जल्दबाज होते हैं। दूसरी बात, ये मसला जो मैंने बयान किया सबको पता नहीं होता, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं पूरा आलिम बन गया, मुझे ये मसला नहीं पता था। ये तो बाद में किताबें पढ़ने का मौका मिला, देखी सब जुज़ियात देखी, तब पता चला। आप यहाँ जितने बैठे हैं अल्लाह के घर में, आप बताओ आप सबको पता था? ये बारीक मसाइल कहाँ पता होते हैं और कहाँ इस पर जो है वो गुफ्तगू होती है। तो हम तो जल्दबाजी करते हैं, इसलिए इमाम को पहले पाबंद किया गया कि इमाम नमाज पढ़ाएगा। इमाम की जिम्मेदारी है कि वो तकबीर तहरीमा की जो तकबीर है उसको खींचेगा नहीं, लेकिन बाज़ इमाम खींचते हैं और मुक्तदी की नमाज ख़राब करते हैं। इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, खींचेगा नहीं। हाँ, दूसरी जो तकबीरात है, तकबीरात इंतकालिया, क़याम से रुकू में जाना है, रुकू से खड़े होना है, और खड़े होने के बाद कौमे में से सज्दे में जाना है। इसमें ये लिखा है उलमा ने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत 21वें पारे में ये फरमा रहे हैं कि व अकीमिस सलात लिज़िक्री, नमाज को कायम करो मेरे जिक्र के लिए। तो इसलिए मुफस्सरीन ने ये लिखा, नमाज का कोई रुकन और उसका जरा सा हिस्सा भी जिक्रुल्लाह से खाली नहीं रहना चाहिए। क्यों? वअकीमिस सलात लिज़िक्री, अल्लाह ये फरमा रहे हैं कि नमाज को कायम करो मेरे जिक्र के लिए। अब इसमें बाज़ लोग सऊदी का फॉलो करते हैं, हरमैन शरीफेन के इम्मा अल्लाहु अकबर, वो तकबीरा के इंतकालिया को भी नहीं खींचते। तो वो अरबी सुदेश है, हमारे यहाँ भी अजमी सुदेशियों की कमी नहीं है, हैं, अजमी शुरैन की कमी नहीं है, तो वो भी उनकी देखा देखी यही करेंगे, नमाज का इतना हिस्सा जिक्रुल्लाह से खाली रह जाएगा। आप खुद सोचो, कौमे में से अब हरमैन शरीफेन के जो अइम्मा हैं वो जाने उनका क्या मसला है, क्या दलील है। मैं आपको अपनी बात करता हूँ, कुरान से आपको दलील दे रहा हूँ। वो क्या कहते हैं, अब आप देखना, कौमे में से जाएंगे अल्लाहु अकबर, शकर भाई ऐसा है कि नहीं, तो वो पूरे रुकने में मुहित नहीं होता है, पूरे रुकने पे मुहित नहीं होता है। पूरे रुकने पे करो कि जहां से हम
अपनी हैसियत तब्दील करेंगे, वहां से शुरू करना है जहां तक पहुंचे। जैसे रुकू में से कौमे में उठे, कौमे में से जब सज्दे में जाएंगे ना, तो आप देखना बाज़ अइमा भी पहले झुकते हैं फिर तकबीर कहते हैं। एक मसला इमाम साहिबान की ये भी जिम्मेदारी है, नमाजियों की नमाज खराब करते हैं रुकू के बाद। बाज़ अइमा हजरात क्या करते हैं मस्जिद के समी अल्लाहु लिमन हमीदा, पहले खड़े हो जाएंगे या आधे खड़े हो जाएंगे फिर बोलेंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अब जो नमाजी जॉइंट हो रहा है रुकू के अंदर, नया नमाजी, उसे क्या पता है, वो तो अल्फाज पे गौर करेगा दूर है तो। अब इमाम साहिब तो खड़े हो गए समी अल्लाहु लिमन हमीदा, ये वअकिमिस सलात लिज़िक्री पर अमल करते तो नमाज खराब नहीं होती मुक्तदी की। अब इमाम साहिब तो रुकने से उठ गए हैं पूरे कौम में है और फिर कह रहे हैं उसको थोड़ी मिली नमाज। अल्लाह जजाय खैर दे अल्लामा अब्दुल हई लखनवी अलैहि रहमा को, और फुकहा ने तो ये बात नहीं लिखी, अलबत्ता अल्लामा अब्दुल हई लखनवी अलैहि रहमा ने नफ़ुल मुफ्ती व साइल उनकी किताब है उसमें यह मसला लिखा है कि बाज़ अइमा भी इस मसले से नावाकिफ़ होते हैं, अवाम को भी मसले का पता नहीं होता। तो चलो उसके अल्फाज का एतबार कर लेंगे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ और फुकहा ने यह बात नहीं लिखी। इमाम ने जैसे ही पोजीशन चेंज की और फिर कोई मुक्तदी नमाज में जॉइंट होता है उसका एतबार नहीं है। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? चले अब समझ आ ही गया है तो बात भी ख़त्म करता हूँ। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्म व बिहम्दिक, नशहदु अल ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तग़फिरुक व नतूबु इलैक। तो आपकी सनद अच्छा नहीं। Allah.